मैं जहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, फास्ट फूड का बिजनेस, वहाँ पे मतलब कुछ छोटे छोटे मतलब जो ऑलरेडी जो जिनका बिजनेस सेट है और वो फेमस भी है और उनका उनके यहाँ पे फास्ट फूड अच्छा भी, और वहाँ पे एक दिन में 5-5 हज़ार कस्टमर भी आते हैं और उनकी मतलब सेल्स भी अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन वो प्राइस, उनका जो प्राइस जो है, प्राइस वो बहुत कम रखते हैं, मतलब 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये ऐसा प्राइस रखते हैं। अब मैं उनसे अच्छा मतलब स्टार्ट करना चाहता हूँ, कुछ वैल्यूज देना चाहता हूँ, लग्जरी एस्पिरेशनल वैल्यू कुछ भी देना चाहता हूँ। अब मैं उनसे कम्पीट कैसे करूँ, मतलब उनकी मतलब वो जो दे रहे वही प्राइस से अगर मैं सेल करूंगा मेरे प्रोडक्ट, तो मैं कैसे उनसे कम्पीट कर पाऊंगा, तो उसके बारे में कुछ आइडियाज चाहिए थी आपसे कि उस बारे में क्या करें। जी, फर्स्ट में आप स्टार्ट करें। देखिए, ये अभी शॉर्ट एनालिसिस का भाई ने जिक्र किया, मैं शॉर्ट एनालिसिस से ही इनको इनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। भाई, आपने बोला कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपना प्राइस बहुत लो रखते हैं और वो उनके पास 5-5 हज़ार कस्टमर डेली का रहता है, आता है, उनके फुटफॉल है और वो वॉल्यूम पे खेलते हैं। आपके कहने का सीधा मतलब ये जी है ना भाई? भाई, जी जी वॉल्यूम पे आप खेल कौन बोल रहे हैं कि आप वॉल्यूम पे खेलो? आप प्रोडक्ट पे खेलो, प्रोडक्शन पे मत खेलो, प्रोडक्ट पे खेलो। आप समझे डिफरेंस दोनों पे? प्रोडक्शन पे मत खेलो, वो लोग प्रोडक्शन पे खेल रहे हैं, आप लोग आप प्रोडक्ट पे खेलो। आप अपना प्रोडक्ट इतना सॉलिड बना लो। देखो, आपको टैगलाइन इस हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा प्रीमियम हो, ठीक है? आप जनरल नहीं हो, आप थोड़ा सा प्रीमियम हो, ठीक है ना? लोग आपके पास जो आ रहे हैं वो थोड़ा सा प्रीमियम स्टफ खरीदने के लिए आ रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि क्वालिटी कम्स विद द प्राइस, क्वालिटी का एक पैसा होता है, ठीक है? अदरवाइज आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट लगा लोगे, आपका भी उनके बराबर से आप कॉस्ट कर लोगे, आप बेचना शुरू कर दोगे। तो आपकी टैगलाइन इस हिसाब से डेवलप होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हाँ हाँ महंगे हैं लेकिन क्यों, यू नो, हाँ हाँ महंगे हैं लेकिन क्यों, ठीक है? क्यों? क्योंकि कस्टमर आकर के ट्राई करेगा, जब वो ट्राई करेगा तब उसको डिफरेंस पता चलेगा कि ये महंगे क्यों है, ठीक है ना? मार्केट में एक चीज बेचने के 10 प्राइस होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, एक चीज बेचने के 10 प्राइस होते हैं। एक जगह पे कितने का बिक रहा है, एक जगह पे कितने का बिक रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्रूट्स ले लीजिए, आप आम ले लीजिए, ठीक है ना? आप एक जो है शॉप पे हो सकता है 60 रुपए डजन बिके और एक शॉप पे जो है वो 100 रुपए डजन बिके, बट दोनों में डिफरेंस है ना, है तो दोनों आम ना, आप समझिए बात को। तो आप प्रोडक्शन पे मत खेलो, आप वॉल्यूम पे मत खेलो, आप प्रोडक्ट पे खेलो। जब आप प्रोडक्ट पे खेलोगे तो आप मार्केट का स्किमिंग प्लेयर बनने की कोशिश करोगे और कहीं ना कहीं फिर कस्टमर आपके पास इसलिए आएगा कि आपके पास चीज अच्छी मिल रही है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है, ठीक है ना? तो ये मेरा सजेशन है आपको लिए, उसी शॉर्ट एनालिसिस की। आपके सामने अपॉर्चुनिटी है पूरी मार्केट, आपके सामने थ्रेट क्या है कि आपका जो बराबर बाजू वाला कस्टमर है, वो आपका बाजू वाला जो कॉम्पिटिटर है उसका प्राइस बहुत लो है, मगर आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी स्ट्रेंथ आपकी क्वालिटी है, ठीक है? वीकनेस क्या है? आपका प्राइस, आप बड़ा, आपका प्राइस कंस्ट्रेंट है आपका। तो जाहिर है कि वीकनेस को आपकी स्ट्रेंथ में तब्दील करो। स्ट्रेंथ क्वालिटी है, क्वालिटी पे खेलो, सीधी बात है। प्रोडक्शन में मत खेलो, प्रोडक्ट पे खेलो, ठीक है भाई? जब मैं आपको ऐड करना चाहेंगे तो प्लीज करिए इस पर। मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। देखिए, फर्स्ट चीज तो ये था कि आप कोई ऐसा कुछ वैल्यू बताओ अपने प्रोडक्ट के अंदर, ऐसी कोई वैल्यू जिससे लोगों को आपके प्रोडक्ट की कोई चीज समझ में आए। जैसे मिसाल के तौर पे, चाहे टेस्ट हो, अगर आप बोल रहे हैं फूड आइटम है, या क्वालिटी, या आप बोल सकते हैं हम लोग अपने आप ब्रांडिंग भी, आप उसमें प्रमोशन भी इसी चीज पे कि हम लोग कुकिंग ये ऑयल में कर रहे हैं, हम लोग इस चीज में कर रहे हैं, ऐसा कुछ अपने आपको हाइजीन भी दे सकते हैं। हाँ, हाइजीन का फैक्टर बना सकते हो, मतलब कुछ उनकी वीकनेस जो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। आप देखो कि आप जैसे क्या यूनिक फीचर है, कुछ वैल्यू प्रोपोजिशन लाओ। हाँ, सेकेंड चीज क्या हो सकती है कि आप कोई मार्केट में कोई निश सेगमेंट में फोकस कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर मान लो कि वो सबके लिए बेच रहे हैं, तो आपने बच्चों के फोकस बना दिए, स्कूल्स के फोकस कुछ बना दिए, हाँ, या लेडीज को जो जैसे कुछ चीजें चाहिए होती, चटपटी वगैरह, आपने उनके ऊपर फोकस कुछ बना दिया। कोई निश मार्केट ले लिए, यानी अगर आप सब चीज में कम्पीट नहीं कर सकते हैं तो एक निश सेगमेंट के आप बोलते हैं आप स्पेशलिस्ट बन गए कि मैं ये चीज का स्पेशलिस्ट हूं, मैं ये चीज बेच रहा हूं, इस सेगमेंट पे फोकस कर रहा हूं। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं कि कोई कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। हो सकता है आप टेबल्स दोगे, हो सकता है पानी दोगे, हो सकता है बैठने की जगह दोगे, हो सकता है कुछ चीज आप दे सकते हो, कस्टमर एक्सपीरियंस, वाईफाई वगैरह, मतलब जायज दायरे में क्या हो सकता है देखेंगे आप, मतलब हैप्पी कस्टमर्स को आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो ये एक तीसरी चीज है, कस्टमर एक्सपीरियंस से आप वो चीज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना के लोगों कस्टमर रिलेशनशिप, लॉयल्टी प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। कस्टमर को ये कह सकते हैं कि आप हर बार परचेस करोगे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, फिर ये पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हो। हाँ, पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो। एक और चीज कर सकते हैं, आप अपनी ब्रांडिंग क्रिएट कर सकते हैं और मार्केटिंग के जरिए अपने आपको, अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट कर सकते हैं सोशल मीडिया वगैरह के जरिए। हो सकता है आप कोई ऑफर्स रन करेंगे। देखो, एक बात है ना, कभी भी याद रखना कि कंपीट करने में ना एक होता है मेंटली डिफीट हो आदमी, तो मेंटली कोई आप पे हावी ना है क्योंकि आपका रब अल्लाह है जो रिस्क का मालिक है आपका। तो इसमें कैसा होता है, कभी कभार क्या होता है, कॉम्पिटिटर के कॉम्पिटिशन से उतना नुकसान नहीं होता है जितना उसके साइकोलॉजिकल प्रेशर लेने से नुकसान हो जाता है हम पर।
तो वो क्या होता है कि कोई हमारे माइंड पे हावी ना हो, उसको दिमाग के अंदर नहीं लेना है, उसको आंखों के सामने रखे बस कैलकुलेट करने के लिए, समझने के लिए। तो जैसे मान लो मिसाल के तौर पे ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी में आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का नया कुछ तरीका ला रहे हो कि कैसे कस्टमर्स को आप कोई ऑफर दे रहे हो, कोई चीज कर रहे हो, हाँ ये चीज हो सकती है। कस्टमर फीडबैक से आप सीख सकते हो कि आप कस्टमर का फीडबैक मिलेगा तो उससे स्ट्रेटेजी को आप चेंज कर सकते हो, इनोवेशन कंटिन्यूसली कर सकते हो। और कोई हो सकता है पार्टनरशिप, आप कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो सकती है, हो सकता है आप स्कूल के साथ टाई अप कर रहे हो कि स्कूल के अंदर आप सप्लाई कर दोगे, कोई हो सकता है कि आप कंपनी के अंदर टाई अप करके उनकी कैंटीन में दे रहे हो सकता है आप कहीं पे मील्स दे रहे हो, मतलब कुछ आपने ऐसा पार्टनरशिप दिए जैसे वो लोग जाके सब जगह सर्विस नहीं दे सकते। आपके पास अगर बैंडविड्थ है, आपके पास उतना 5000 कस्टमर का रश नहीं है डेली का, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर फोकस कर सकते हैं कि कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसी के साथ क्रिएट किए और वो उसके जरिए आप अपने बिजनेस को रीच करें, ऑनलाइन प्रेजेंस के जरिए, हाँ अपनी वेबसाइट के जरिए, कुछ यूजर फ्रेंडली, कुछ ऐसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए कुछ चीज हो सकती है, और ऐसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी पैदा करने की कोशिश करें कि कैसे आपके ऑपरेशंस ऐसे हो जिससे आपको भी वो एडवांटेज मिले जो उनको मिल रहा है, मतलब जो वॉल्यूम्स का एडवांटेज उनको मिल रहा है, कैसे आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज किए बगैर क्वालिटी, तो कैसे आप कंपटीशन के सामने कैसे अपने आप को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, जैसे मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने रेस्टोरेंट ओपन किया और फिर उनके रेस्टोरेंट में होता क्या है ना, रेस्टोरेंट बिजनेस में बहुत सारे लोग लॉसेस करते हैं और जितने बिजनेसेस सुनने मिलता है कि हर महीने कितनी नई दुकानें खुलती है, कितनी सारी उसमें से बंद भी हो जाती है। तो यहां पे कैसा होता है, उनके बिजनेस में भी ऐसा ही हुआ। अब वो थे दूसरे लाइन वाले आदमी, लेकिन वो रेस्टोरेंट में बैठ गए खुद और फिर देखे, स्टडी किए कि इतने स्टाफ है, क्या जरूरत है, इतने इतने से काम चल सकता है क्या, इतने से हो सकता है क्या। उन्होंने अपनी कॉस्टिंग को कंट्रोल किया, होगा प्रॉफिट में क्यों हो गया बिजनेस, उनका रेस्टोरेंट प्रॉफिट में क्यों हो गया। तो कभी कभार क्या होता है कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को देखना होता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखनी होती है, प्राइसिंग के अंदर कैसे कर सकते हैं, कभी कभार कुछ बंडल करके, कुछ पैकेज करके। देखो क्या होता है, जैसे मैकडॉनल्ड्स को देखोगे कि कोई चीज वो बहुत सस्ती बेच रहा होता है सिर्फ कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए, सुन रहे आप, कोई चीज जैसे बहुत सस्ती बेच रहे, बेच के आप कस्टमर अट्रैक्ट करो और कहीं और कमाओ, कोई चीज कॉस्ट टू कॉस्ट बेचो सिर्फ इसलिए कि ये है मेरा सिर्फ कस्टमर लाने के लिए, बाकी मैं कमाऊंगा वो आइटम पे, मैं इससे कमाऊंगा नहीं, ये सिर्फ कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए है। यानी अब ये ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कुछ बना सकते हैं, ऐसी दसों आइडियाज है और उसके जरिए आप करो। देखो आप देखोगे फ्रूट मार्केट की जो फर्स्ट मैंने मिसाल दी है, अब एक सेलर बेच रहा है 100 रुपए किलो, दूसरा बेच रहा है 120 रुपए किलो और तीसरा बेच रहा है 130। अब हर किसी की अपनी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस, ये है माल हमारा ऐसा है, देखो टेस्ट कैसा है, इतना फ्रेश माल है, ये वो अपने कॉन्फिडेंस से सेलिंग आप उसे बेच सकते हो हलाल सही तरीके से सच बोल के। हाँ इंशाल्लाह।